अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगी एंड फाइन शाइन होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो, और ये ड्रेस डिज़ाइनिंग है हमारे समर आर्टिकल्स की, जो कि हमने स्टिच करवा लिए हैं अपने क्लाइंट के लिए। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इन आर्टिकल्स को डिटेल में शेयर कर दिया जाए। और इस वीडियो में सारे आप लोग समर आर्टिकल्स को ही देखेंगे कि समर आर्टिकल्स को मैंने कैसे डिज़ाइन किया। सफ़ायर के आर्टिकल्स हैं, कुछ इसमें निशाद हिरन के आर्टिकल्स हैं, ज़्यादातर निशाद हिरन के आर्टिकल्स हैं, और एक ही आर्टिकल आप लोगों को सफ़ायर का मिलेगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल्स की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं सफ़ायर का आर्टिकल है, बेहद हसीन आर्टिकल है, और ये हम लोगों ने स्टिच करवाया है अपने एक क्लाइंट के लिए जो कि UK से है, और ये आर्टिकल USA से है। ठीक है, तो ये इसकी नेकलाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी है, डबल लूप के साथ हम लोगों ने इसको रखवाया है, राउंड नेक में है, और इसकी एम्ब्रॉयड टू पीस आर्टिकल था। इसके साथ हम लोगों ने ट्राउज़र लामलाइट से बाई कर लिया, तो इसकी फुल डिटेलिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी नेकलाइन बन गई, फुली एम्ब्रॉयड आर्टिकल है, और जिस तरह मुझे अच्छा लगा इसको मैंने डिज़ाइन करवाया है, और स्टिच होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक हो गया, इसके स्लीव्स को हम लोगों ने ये लेस लगवाई है कैमल कलर में, साथ में इसका जो पलटा हम लोगों ने फैब्रिक का दिया है कुछ ऐसे दिया है, बॉट थोड़ा सा दिया है ताकि इसकी लुक इनहेंस हो सके। ठीक है, उसके बाद इसके दामन के ऊपर हम लोगों ने यही लूप्स की डिटेलिंग कर दी, डबल लूप्स के साथ आया है। ठीक है, पलटा आ गया है जो कि 4 साइडेड के ऊपर आपको मिलेगा इस तरह कुछ। ठीक है, इस तरह कुछ पलटा मिलेगा। बैक स्लीव जो है ना इसकी इस तरह थी, इसको हम लोगों ने लेस लगवा दी। ठीक है, बैक के ऊपर लेस है, और इस वजह से इसको ऐसे डिज़ाइन करवाया है। इसके बाद इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स पे जो है ना हम लोगों ने क्या किया है, स्लीव्स के ऊपर हम लोगों ने किया है इसका जो शर्ट का जो फ्रंट का बॉर्डर बचा था, तो हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन पैच बनवा लिया, साथ में ऊपर एंड नीचे हम लोगों ने 1 साइडेड लेस की अटैचमेंट कर दी, और ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि स्लीव्स के बिल्कुल सिंपल थे, तो इसको थोड़ा सा मुझे इन्हेंस करना था, तो इस वजह से मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन रखवाया है। इसके बाद इसके जो लूप्स हैं डबल लूप्स मैंने अगेन स्लीव्स पे भी लगवा दिए, और ये आर्टिकल अच्छा लग रहा था स्टिच होने के बाद। ठीक है, आप लोग भी देख लें, अगर आप लोग ऐसे स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती हैं और अपने टेलर से स्टिच करवा सकती हैं, और ये ड्रेस की लुक आ गई, और ये ट्राउज़र की लुक है, आप लोग प्रॉपरली ट्राउज़र की लुक देख लें। और कैमल कलर की हम लोगों ने ट्राउज़र्स का बाय किया है, ट्राउज़र हम लोगों ने बाय किया है लैम लाइट से, क्योंकि लैम लाइट पर ही आप लोगों को मैचिंग में ट्राउज़र मिल जाते हैं, किसी और ब्रांड पर ट्राउज़र्स अच्छे मैचिंग नहीं होते, और फैब्रिक क्वालिटी इनकी अच्छी है। जितने भी ट्राउज़र मैं बाय करती हूँ 2 पीसेस के लिए, वो मैं लैम लाइट से बाय करती हूँ, या फिर एक शॉप है जो कि G9 मरकज़ में है, मैं उधर से बाय करती हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ। ठीक है, वहाँ भी अच्छी मैचिंग वाले ट्राउज़र मिल जाते हैं, और ब्रांडेड आर्टिकल्स होते हैं उनके पास। और ये देखिए, इसका जैसे फ्रंट है वो हम लोगों ने ये प्लेन रखा है, और साथ में इसकी जो बैक है वो हम लोगों ने रखी है इस तरह से। इस तरह आर्टिकल्स में ना बल्कि लुक नहीं आता, और इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं ना सिंपल से, उनके साथ ऐसे डिज़ाइनिंग हो तो अच्छी लगती है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो शर्ट को थोड़ा सा हैवी कर लिया था, और दुपट्टे को भी, तो ट्राउज़र को हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सा रखा है, और ये इस ड्रेस की लुक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो इसका था वो शिफॉन फैब्रिक पर है, बहुत ही खूबसूरत सा, तो दुपट्टे की जो है ना लुक भी देख लेते हैं हम लोग। दुपट्टे के ऊपर हम लोगों ने जो लेस लगाई है वो भी हम लोगों ने जो स्लीव्स पे लगाई थी वही लेस को अटैचमेंट कर ली हम लोगों ने, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में हम लोगों ने बेज कलर में इसकी जो है ना सिल्क वाली डिटेलिंग करवा दी, और इसकी लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है, इस तरह जो है ना दुपट्टे में जान आ जाती है, वरना दुपट्टे में ना थोड़ा सा लुक जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। मुझे तो हमेशा से जो दुपट्टास है ना वो इस तरह पसंद है, प्रॉपर रेडी दुपट्टास। कुछ ब्रांड्स के दुपट्टास ऑलरेडी रेडी होते हैं, और कुछ को रेडी करवाना पड़ता है, और हम लोगों ने इसको खुद ही रेडी करवाया, और ये सफ़ायर का आर्टिकल है, और आपको पता ही है कि सफ़ायर के आर्टिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैब्रिक के साथ होते हैं। जो नेक्स्ट वन आर्टिकल आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत है ये ड्रेस है, और ये आर्टिकल स्टिच होने के बाद तो बेहद हसीन लग रहा है। तो इस ड्रेस की डिटेल्स देख लेते हैं। जो नेक है हम लोगों ने इसको रखा है ओवरलैप वाला गला रखाया है, साथ में हम लोगों ने जॉइंटेड लेस अटैच की है। जॉइंटेड लेस की क्वालिटी चेक कर लें, इंतहाई नफीस क्वालिटी है इसकी,
और एक सर काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर दिया गया था, तो मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन करवाया, इसका ओवरलैप वाला गला बनवा दिया और साथ में इसका ये जो है ना कट वर्क बनवा कर इसको मैंने नेक पे एडजस्ट करवाया। इसके बाद इसकी जो लुक है ना बहुत ही इनहेंस कर रही थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने इसका दामन जो है हम लोगों ने कुछ ऐसे पलटा रखवाया है, फैब्रिक की डिटेलिंग करवाई है हम लोगों ने स्लिट्स के ऊपर, और दामन के ऊपर अगेन हम लोगों ने ये जॉइंटर अटैच करके साथ में डबल जो हमारे पास बॉर्डर्स थे ना उसको हम लोगों ने अटैच करा किया, और साथ में हम लोगों ने ये पेंटिक्स डलवा दी, 1 2 3 पेंटिक्स में अटैच करवा दी, मतलब कि लगवा ली। और ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था स्टिच होने के बाद, और आप लोग भी देख लें, ये आर्टिकल भी बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके बाद इसके स्लीव्स देख लेते हैं, स्लीव्स पर हम लोगों ने ऐसे ही डिज़ाइन करवाया है, साथ में हम लोगों ने जॉइंटर अटैच किया है, साथ में फिर हम लोगों ने यही एम्ब्रॉयडर पैच को अटैच कर दिया, साथ हम लोगों ने 1 2 3 4 4 हम लोगों ने पैंटिक्स डलवा दी, ठीक है। बैग जो है बैग का प्रिंट भी कुछ ऐसे ही था, और बैग को हम लोगों ने सिंपल स्ट्रेट ही रखा है, बैग के ऊपर हम लोगों ने कोई भी डिज़ाइनिंग की नहीं की, क्योंकि समर आर्टिकल्स हैं, समर आर्टिकल जितने भी अच्छे से स्टिच होना काम है, मुझे तो वैसे भी समर आर्टिकल्स को ज़्यादा अच्छा स्टिच करना पसंद है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी लुक देख लेते हैं, इसका जो कलर है ना वो पिस्ताचू कलर है, और ये आर्टिकल है निशा लिनन से, हमने बाय किया था फ्लैट 40% ऑफ के डिस्काउंट पर, और ये भी हमें तकरीबन 6300-6500 रुपीज़ के रेंज में मिला था। ट्राउजर को हमने कुछ ऐसे स्टिच करवाया है, हम लोगों ने वही बॉर्डर जो है ना हम लोगों ने अटैच कर दिया इसकी बॉटम के ऊपर, और ये देखें तकरीबन इसके जो इंचेस था ये तकरीबन 8 to 9 to 10 इंचेस का हम लोगों ने इसका बॉटम रखा है, और साथ में पेंटिक्स अगेन 4 पेंटिक्स सिलवा दी, और इसका ये ट्राउज़र हो गया। ट्राउज़र हम लोगों ने बॉट में रखा है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, और ये ट्राउज़र की लुक है। मुझे काफ़ी सिस्टर्स बोल रही थी कि आप ना प्रॉपरली ट्राउज़र की लुक दिखाया करें, तो मैंने कहा कि प्रॉपरली आपको दिखा दूँ। ये देखिए फ्रंट के ऊपर अगेन हम लोगों ने इसी तरह ही सिंपल छोड़ा है, बाकी बैक के ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक अटैच कर दी, ठीक है। तो ये ड्रेस की लुक हो गई, और इसका जो कलर है ना और पिस्ताचू कलर है, और इसमें थोड़ा सा कैमरे में ना डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि वीडियो में किसी और रूम में बना रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा है, लेकिन खैर आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है अभी जो आपको कलर शोर है ना इसका कलर ये है एग्जैक्टली, ठीक है। और इस ड्रेस की लुक की अगर आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहती हैं तो स्क्रीन शॉट भी ले सकती हैं, आपके टेलर से स्टिच करवा सकती हैं, और जिन सिस्टर की स्टिचिंग चल रही है अगर वो इस तरह का डिज़ाइन करवाना चाहती है तो वो इधर डिज़ाइन करवा सकती है, ठीक है। इसके बाद इसका दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा इसका शिफॉन फैब्रिक में है, और हम लोगों ने रेड कलर की इसके ऊपर ना पाइपिंग अटैच की है, ठीक है, सिल्क की पाइपिंग अटैच कर दी हम लोगों ने। इसके बाद इसके जो पल्लू हैं जैसे उसके ऊपर हम लोगों ने लेस की अटैचमेंट कर दी, रेड कलर की लेस को इनहेंस कर दिया, और ये इस ड्रेस की लुक हो गई, ठीक है। कलर इसका बहुत ही खूबसूरत है इस ड्रेस का, और इसके दुपट्टे का जो प्रिंट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके, हो सकते किसी सिस्टर के पास पड़ा हो आपको वो सील कर दी, क्योंकि बहुत सी सिस्टर्स हैं मेरी तरह जो कि ब्लॉगिंग करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं जो भी बोल सकती हैं, वो भी शॉपिंग हॉल वीडियोस बनाती हैं, और उनके पास हो सकते आर्टिकल में जाकर आपको मिल जाता है, तो वेल एंड गुड, आप लोग जैसे लेकर ऐसे ही स्टिच करवाती हैं, तो ये स्ट्रेस की लुक हो गई। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये आर्टिकल बहुत सिंपल था, इसको जस्ट मैंने इसी तरह इन्हेंस कर दिया, इससे थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ ये आर्टिकल बेहद हसीन लग रहा है। तो दिल जनाब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा निशात का आर्टिकल है, बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल है, और इसको तो बिल्कुल हम लोगों ने कैजुअली स्टिच करवाया है, और लैप वाला गला स्टिच करवाया, इसके बॉर्डर्स दिए गए थे उसी को ही हम लोगों ने एक पट्टी हम लोगों ने ये रखवाई और दूसरी पट्टी हमने कुछ ऐसे रखवाई, और लैप वाला गला स्टिच करवाया है साथ में, इसको बिल्कुल सिंपल बिल्कुल कैजुअली इसको स्टिच करवाया है, इसके स्लीव्स बिल्कुल सिंपल बॉर्डर के साथ, दामन के ऊपर वही बॉर्डर अटैच कर दिया, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल इसके हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करवाया है, जस्ट पलटा हम लोगों ने अटैच किया है बस, इसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने ज़्यादा कुछ भी डिटेलिंग नहीं करवाई इसकी, ठीक है। साथ में इसके ट्राउज़र को थोड़ा सा हम लोगों ने डिज़ाइन रखवाया है, ट्राउज़र के ऊपर हम लोगों ने 3 पैंटिक्स सिलवा दी, और साथ में ये जो है ना ट्राइंगल वाले डिज़ाइन यानी कि कट वर्क्स बनवा दिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिन सिस्टर ने लेना है मेरे पास अनस्टिच में भी अवेलेबल है तो वो ले सकती हैं। इसका दुपट्टे को हम लोगों ने सिंपल इसी तरह पीको करवाई है,
और हम लोग वैसे ही जिस आर्टिकल को स्टिच करवाते हैं जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आप लोग भी अपनी स्टिचिंग करवा सकती हैं हमारे थ्रू, और स्टिचिंग चार्जेस भी हमारे मुनासिब हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं है। तो आप लोग अपनी स्टिचिंग हमारे थ्रू स्टिच करवा सकती हैं आर्टिकल जैसे भी आप लोगों को नीड हो। शॉपिंग के साथ साथ स्टिचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये ड्रेस की लुक है, सिंपल सा आर्टिकल था लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमारे आर्टिकल्स में कितनी फिनिशिंग होती है, और हम लोग आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से स्टिच करवाते हैं। और सबसे मेनली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वैसे स्टिच करवाऊँ जैसे कि मैं अपने लिए स्टिच करवा रही हूँ। तो इस ड्रेस की ये ओवरऑल लुक हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन आर्टिकल हम लोग दिख रहे हैं ना, ये वाला आर्टिकल बेहद हसीन है, और ये निशाद इनका आर्टिकल है, और ये था प्रिंटेड आर्टिकल और समर आर्टिकल है ये। और इसकी डिज़ाइनिंग हमने कुछ ऐसी की है, इसके हम लोगों ने जो है ना थोड़ा सा दिया गला रखवा कर हम लोगों ने इसको अनरखा स्टाइल में स्टिच किया है, और लेस जो है ना वो हमें लकली इतनी खूबसूरत सी मिल गई, वो भी जैसे इसकी शर्ट का प्रिंट था उसी तरह की इसकी हमें लीव्स वाली लेस मिल गई, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और वाइट कलर की जो लीव्स लग कर ना इसकी लुक ही इन्हेंस हो गई है। तो ये इस ड्रेस की लुक है। ठीक है, इसको हम लोगों ने ए लाइन में स्टिच करवाया है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल ही इसको रखा है इसकी दामन को। ठीक है, और साथ में इसके जो स्लीव्स हैं स्लीव्स के ऊपर भी हम लोगों ने दो स्टेप में ये लेस लगवा ली क्योंकि ये कैजुअल वेयर वाले आर्टिकल्स हैं, तो थोड़ी बहुत इसकी डिज़ाइनिंग हम लोगों ने करवाई है। ठीक है, ये देखिए, और इसी तरह की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं, और इसी तरह की डिज़ाइनिंग आप लोगों को डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। और ये इस ट्राउजर की लुक है, बहुत ही खूबसूरत सा ये आर्टिकल आप लोगों को मिलेगा। ठीक हो गया, ये ड्रेस की लुक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो। इसका आ गया दुपट्टा, दुपट्टे को हम लोगों ने सिंपल दुपट्टा तो बेहद हसीन सा दुपट्टा है इसका, लेकिन दुपट्टे को हम लोगों ने सिंपल इसकी जो है ना पाइपिंग करवाई है, पाइपिंग नहीं पीको करवाई है, बेबी पीको करवा दी क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये इस ड्रेस की लुक है, ठीक है, आप लोग देख सकती हैं। और अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस करना चाहती हैं स्टिचिंग के लिए तो आप लोग स्टिचिंग के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। ये ड्रेस की लुक है। आज तो ही हमारी वीडियो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। स्वामी याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।